प्री रीड्स के अंदर आप दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, कृतिका ट्रांसलेट सिंपली इनटू वन हु कट्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। और प्लूरल सेंस में देखो तो कटर्स को कहते हैं, काटने का काम करने वाले, ठीक है। और जैसा कि इसका नाम है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये, लेकिन फेमिनिन एस्पेक्ट्स को ज्यादा दिखाता है कंपेरेटिव टू मेल एस्पेक्ट, क्योंकि कृतिका जो कार्तिकेय थे, कार्तिकेय को 7 कृतिकाओं ने पाला था। जब कार्तिकेय पैदा हुए थे, ही वाज गिवन टू 7 कृतिकास फॉर अपब्रिंगिंग, बाकी सारी टेक केयर करने के लिए। तो कृतिका नक्षत्र की जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी है कंपैरेटिव टू मेल एनर्जी। पहली टेक्निक क्या कहती है कि जिस भी हाउस के कस्ब पे कृतिका नक्षत्र फॉल करेगा, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड एक्सपीरियंस, रिजल्ट नहीं, ऊपर लिखा है अर्ली, रिजल्ट की जगह अर्ली एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। अगर सैटर्न है, प्रोफेशन बहुत जल्दी आप एक्सपीरियंस कर लोगे कि कॉर्पोरेट में काम करने का तरीका क्या है, बहुत जल्दी आपको जिम्मेदारी मिल जाएगी। 10th हाउस में है ना, तो हो सकते हैं बहुत अर्ली एज में बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी काम शुरू कर दिया हो या काम करने का एक्सपीरियंस ले लिया हो। उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन जिस हाउस में है, उसकी सिग्निफिकेशन के रिजल्ट आप बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। वीनस है तो फिर रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। जुपिटर है तो गुरु मिल जाएगा बहुत जल्दी एज में, करेक्ट। बच्चे जल्दी हो जाएंगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, काट और उसके बाद उसको काट भी देगा, भी नुकसान पहुंचा देगा। देगा। हाँ, दूसरा टेक्निक कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। अब जैसे प्रभाकर ने स्टार्टिंग में बोला, मैम मेरा चार्ट ले लो, ये वो नहीं बोल रहा था, ये उसका नक्षत्र बोल रहा था जो 10वें घर में फॉल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो काम चल रहा है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, वो 9th हाउस की है, और उसका 9th हाउस में भी कृतिका है। ही इज वेरी, इनसे पहले जो मैम थी उनको झिझक हो रही थी, उन्होंने नहीं बोला, उनको मेरे को बोलना पड़ा कि आप दे दो। यहाँ पे प्रभाकर ने खुद से बोल दिया कि आप मेरा चार्ट ले लो। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस विद कोई हेजिटेशन नहीं है जहां कृतिका नक्षत्र है। आप झिझकते नहीं हो, आप बहुत बोल्ड स्टेप लेते हो जहां कृतिका नक्षत्र फॉल करता है। यू विल बी वेरी डायरेक्ट, क्योंकि कटर क्या कर रहा है, डायरेक्टली काट रहा है ना, बहुत बोल्ड स्टेप है किसी चीज को अलग करना। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड इन दैट एरिया जहां पे आप डिवाइड कर रहे हो। इमोशंस वाला काम नहीं है डिवाइड करना, आपको इमोशनलेस होना पड़ता है जहां कृतिका होता है, सर्जरी करनी है, ठीक और वहां करना पे है। नो नॉनसेंस अप्रोच कम्युनिकेशन में, बहुत ब्लंट रहते होंगे ऑफिस में ना, ज्यादा वो चाँ चुपुर करने वाली आदत नहीं होगी। सही है। प्रोफेशन के अंदर ही डोंट लाइक नॉनसेंस अप्रोच, ही इज वेरी ब्लंट, ये काम है, ये करना है, दैट्स इट, दिस इज माय वर्क, नथिंग इफ एंड बट्स। उस पर्टिकुलर हाउस या प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को ही विल कैरी फॉरवर्ड विदाउट एनी बॉन्डेज। यू आर फ्री मॉलिक्यूल, वेरी फ्री, फ्री स्पिरिटेड वेयर एवर कृतिका इज फॉलिंग। डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो। यस सर, प्रोफेशन में डिसीजंस के लिए यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, यू विल नॉट आस्क एनी वन कि मुझे ये करना है, मैं ये करना है। ऑफिस में भी काम करने के लिए दिस गाय विल नॉट सीक फॉर परमिशन कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। यही खुद का बॉस है, ये बॉस का नहीं सुनेंगे। तो टेक्निक 3 एंड वेरी अगेन, जैसे हमने फर्स्ट में पहले टेक्निक में पढ़ा था ना 4th हाउस वाला, ये इस तरीके की टेक्निक है जो कि तब ओपन करनी है जब आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आ रहा है, वो बहुत सारी चीजें ओपन कर चुका है। कृतिका नक्षत्र अगर 7th हाउस, 7th कस्प, 12th हाउस जो सेक्सुअलिटी को डिनोट करते हैं, वो हाउसेस या वो प्लैनेट्स के साथ रिलेट कर जाएगा, तो फोर्सफुल सेक्सुअल बिहेवियर को इंडिकेट करता है।
उसकी बेडरूम इंटीमेट जो लाइफ होगी उसके अंदर वो बहुत ब्लंट, बहुत बोल्ड होगा। उसका सेक्सुअल एक्सप्रेशन, क्योंकि इमोशंस नहीं है यहाँ पे जहां कृतिका फॉल कर रहा है, आप इमोशनलेस हो रहे हो वहां पे। वहां पे एक्ट मैटर कर रहा है, तो यू विल एंड यू आर पेनलेस, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पेन। यू द पर्सन विल बिकम द सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन बिकम वेरी असर्टिव। प्रभाकर के केस में अप्लाई नहीं हो रहा है, सो डू नॉट थिंक अबाउट इट। दिस इज फॉर सेवेंथ एम्बर हर्ड का हाउस। केस है ये, हाँ एम्बर हर्ड का केस है ये। हाँ और बहुत एक होता है ना, जिन लोगों की बहुत वैसी डिजायर होती है, नॉट डिजायर, हार्ड कोर सेक्सुअल टेंडेंसीज जो होती है ना, हार्ड कोर से भी ज्यादा मैं बोलूँ, जो वॉयलेंस पसंद करते हैं सेक्सुअल इंटिमेसी में, वो कृतिका प्रोमिनेंट पीपल है। हाँ एग्जाम्पल तो शेयर करना आप आदिराज इसके बाद में। नहीं, वो अभी बिग बॉस में जो आई है ना, जो कपल आए जिसकी दो बीबियां है, उसमें कृतिका नाम है उसका, शी नेवर थिंक ऑफ क्या, उसका कोई ऑलरेडी एक बीबी है, शी वॉज वेरी कनिंग, उसको डिसीजन लेना था उसके पता उसके नहीं, साथ। बिग बॉस नहीं देखती मैं, मेरे यहाँ तो टीवी मैं भी 2014 नहीं में थी देखता सर, हम लोग भी नहीं आखिरी। देखते, रील में आया था हम वो, लोग भी रील में नहीं। आया था, अच्छा पता मैं भी नहीं, नहीं देखता। लास्ट 2014 में देखी थी टीवी। नहीं वो रील में आया था, तो हाँ, उसका नाम मतलब भी कृतिक है, ये तब पॉइंट सही इज, है। आप अगर डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो ना, वो माइंड में आपके क्लिक करना चाहिए कि अगर ये बोला है तो फिर कौन हो सकता है, किसके चार्ट में है। और ये ये बस उसी एक को, कृतिका नाम की एक लड़की को मैंने भी देखा था मैम, वो बहुत ब्लंट थी, शी वॉज हाँ, वेरी, और मतलब कृतिका नाम के जितने पढ़ाई भी लोग में, मिलेंगे बहुत ब्लंट ही मिलेंगे आपको। हाँ पढ़ने में बहुत ये अच्छा मैं और नेम बहुत का इफेक्ट ब्लंट होगा इसीलिए, बोल्ड। टॉम बॉयज टाइप। नहीं टॉम बॉय नहीं, बट हाँ एक सिर्फ ब्लंट नेम का फिगर इफेक्ट होता है होगा मैम नेचर। ये। और ये कृतिका का इफेक्ट है, ये नेम का इफेक्ट नहीं है। ऐसे नेम से भी देखो, सोचो नेम पे इतना इफेक्ट आ रहा है, अगर सेवंथ हाउस के कस्ब पे आ गया तो कितना इफेक्ट आएगा। किसी का नहीं सुनना ऐसा नाम ठीक होता है है, ये, मतलब ऐसा होता एंड नाउ मल्टीप्लिसिटी इफेक्ट, इन विच एवर हाउस कस्प कृतिका इज फॉलोइंग और इफ एनी प्लैनेट इज देयर, देयर विल बी मल्टीप्लिसिटी इन दैट एरिया। मल्टीपल प्रोफेशन, डू नॉट ओवरलुक ऑन राशिज, टू कंफ्यूज हो जाओगे ओके। आप। नक्षत्र आप, फिर पता है कि जो एसेंस है ना प्रिडिक्शन का, वो छोड़ दोगे। जो लोग प्रिडिक्शन, मतलब व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, क्योंकि मेरा भी जो लर्निंग थीम रहा है ना, वो पढ़ पढ़ के रहा है। जैसे ही मैं एक साथ दो या तीन चीजों को हॉप करने लग जाती हूँ एक साथ ना, तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। आप जब स्टेप बाय, आप एक एक साथ तीन सीढ़ियां कूदोगे तो नीचे गिर जाओगे, लेकिन एक एक स्टेप पे चलोगे देन यू विल एबल टू ग्रैब द ग्रिप, आपकी ग्रिप बनी रहेगी हर स्टेप पे। वहां पे तब आओगे जब ये, जब हम 10 चार्ट्स पे, 15-20 चार्ट्स पे यही टेक्निक सप्लाई कर लेंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेव हो जाएगी, कि जब भी हमारे आंखों के सामने वो चार्ट आएगा ना, तो इट विल क्लिक, इट कृतिका का कस्प फॉल कर रहा है, अश्विनी का कस्प फॉल कर रहा है, या ये प्रोमिनेंट हो रहा है, वो प्रोमिनेंट हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड देन वी विल लुक टू प्लानिटरी थिंग्स, देन विल गो फॉर लॉर्डशिप्स। सी दिस इज लाइक ओशन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। एवरी डे आई फील आई डोंट नो एनीथिंग, बट जैसे जैसे हम उस पर वर्क करते जाएंगे, इट्स लाइक द लर्निंग इज लाइक दिस, वेरी स्लो एंड स्टेडी, एंड यू विल नॉट एबल टू नो कि कब कब प्रेडिक्ट करना सीख गए। खैर मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ, सो दैट दिस इज वॉट आई एम एप्रिशिएटिंग, या जो जहां पे मैं भी आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि रिसर्च करने से ज्यादा जल्दी सीखते हैं अकेले में रह के सीखने के कंपेरिजन में। ठीक है, एनीथिंग एल्स ऑन द पार्ट ऑफ दीज थ्री नक्षत्र? वी हैव मैम एक